इस जड़ी बूटी की परंपरा में हम आपके साथ और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आपके बीच में हैं। यह सदाबहार जिसके बीच में मैं बैठा हूँ, यह एक अत्यंत आम प्रचलित और प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का वासी इस पौधा को जानता है। हालांकि विविध लोगों का यह मत है कि इस लोचनेरा रोजिया का जो ये पौधा है, ये जो सदाबहार है, बारहमासी है, सदा फूल है, इस पौधे के संदर्भ में ये सदाबहार फूल का जो पौधा है आप देख रहे हैं, एक ये सुंदर से बैगनी कलर में और यह सफ़ेद रंग का जो यह फूल है, इसकी यह दो ही प्रजातियाँ प्रायः पूरे देश में पाई जाती हैं। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल के रूप में दूसरी प्रजातियाँ भी लोगों ने विकसित की हैं, परंतु औषधि के रूप में ये दोनों ही प्रजातियाँ, ये सफ़ेद फूल वाला और ये जो है आपका गुलाबी रंग का जो फूल है, ये दोनों ही फूल उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लोचनेरा रोजिया और बिनका रोजिया, ये दो नाम से दो प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। इस सदाबहार के फूल के विषय में ऐसी आम अवधारणा है, हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यह मूल रूप से ये अमेरिकन पौधा है। हालांकि आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, सब जगह बाग बगीचों में, घर आंगन में ये पौधा आपकी सुंदरता को, आपके घर की शोभा को ये बढ़ा रहा होता है। तो आइए आज हम लोचनेरा रोजिया के पौधे का, ये सदाबहार सदा फूल के जो पौधा है, उसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम जानें। प्रायः हमारे यहाँ पूरे देश में श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया, उससे पहले भी कुछ प्रचलन में था डायबिटीज़ के लिए। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी भयानक बीमारी है। यदि मधुमेह की वजह से आँखों की रोशनी चली जाए या मधुमेह की वजह से यदि किडनी फेल हो जाए, उसके लिए कोई समाधान कम से कम मॉडर्न पैथी में तो नहीं है। प्रभु की कृपा से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो आप भयभीत न हों, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदल डालें, अपनी सोच को बदल डालें, अपनी आदतों में सुधार कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये कभी भी संभव नहीं है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और जिन कारणों से आप रोग ग्रसित हैं, उन कारणों को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को नहीं सुधारना चाहते हैं, तो शायद आपको वह प्रभु भी नहीं ठीक कर सकेगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन के लिए, उन्होंने कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विशच्छतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कर्मण लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तू कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा कर, वह कर्म क्या है? कर्म वह है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी वह है जो ऋषियों ने ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या और हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी मर्यादाएं, नियम और व्यवस्थाओं का जो विधान किया है, उन नियम मर्यादाएं और उन व्यवस्थाओं का हम अनुपालन करें, तो अनुपालन के द्वारा हम निश्चित रूप से रोगों से बच सकते हैं। तो यदि हम उनका अनुपालन करें तो जितने भी ये अनागत रोग हैं उनसे हम बच सकते हैं। यदि कोई बीमारी हो चुकी है और उससे यदि आप बचना चाहते हैं, तो भी ज़रूरी है कि अब अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को आप सुव्यवस्थित करें। आलस्य, प्रमाद और लापरवाही को अपने पास न आने दें, क्योंकि सत्य कहा गया, यदि हमारे पास साधन है तो वह साधन तब तक हमारे लिए उपयोगी है जब तक उन साधनों का हम अपने जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए संपत्ति के लिए भी, धन के लिए भी कहा गया कि दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीय गतिर्भवति। यानी जो वित्त है, जो संपत्ति है, जो धन है, जो दौलत है, जो आपके पास जितनी भी दुनिया की संसाधन है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है अपने सुख के लिए, मेरे भाई याद रखना, उसकी तीन ही गतियां हो सकती हैं। या तो आप उसका भोग कर लें, भोग से प्रयोजन है, रोग के लिए नहीं, भोग आपके सुख के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी उन्नति के लिए, उसको वास्तव में भोग कहा जा सकता है।
या तो आप उसको भोग कर लें या फिर दान कर लें उस पदार्थ का, उस संपत्ति का जो इस देश के अंदर हमारे जैसे जो करोड़ों भाई बहन जिनके पास साधनहीन हैं, जो गरीब हैं, जो असमर्थ हैं, जो दीन और दुखी हैं, उनकी सेवा के लिए उस पदार्थ का आप प्रयोग करें, उनको उन पदार्थों के द्वारा उनका सहयोग करें। मैं तो कहता हूँ दुनिया के अंदर यदि आप किसी की सेवा करने योग्य बने हुए हैं तो यह आपका सौभाग्य है, और यदि आप दूसरे की सेवा करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमने दूसरे की सेवा करके अपने आप कोई बड़ा कार्य नहीं किया, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने दूसरे की सेवा के योग्य हमें बनाया और उस व्यक्ति को भगवान ने हमारे द्वारा सेवा लेने के लिए भेजा, इसीलिए हम उस कार्य के लिए गर्व करें, ऐसी बात नहीं है। परंतु आज तो हमारे हृदय में से, हमारे भावनाओं में से, हमारे संवेदनाओं में से वो चीज़ें कहीं लुप्त होती जा रही हैं। हमारी परंपरा बहुत वृहत और विस्तृत परंपराएं थी। हमारे यहाँ कहा जाता था अतिथि देवो भव, जब तक कोई बड़ा से बड़ा सम्राट भी अपने घर में एक संत, एक विद्वान या एक अभावग्रस्त व्यक्ति को भोजन नहीं कराता था तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं किया करता था। आज हम इसके विपरीत कहीं ना कहीं हम भोजन कर करके, खा करके हम बीमार हैं, परंतु उन भूखों की सुध लेने की कहीं हमें फुर्सत नहीं है। इसीलिए हम कहीं साधन संपन्न होते हुए भी किसी न किसी ऐसे आंतरिक अभाव से ग्रसित हैं। वह आंतरिक अभाव और कुछ नहीं है, जो दीन दुखी और अभावग्रस्त हैं उनकी पीड़ा को मिटाने की जो चाह है वो जिस दिन जग जाए, आपके जो दूसरे अभाव हैं वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इसके लिए हम अपने हृदय में, अपने अंतस में यह तैयार करें कि हम दूसरों की सेवा के लिए अपने संसाधनों का भी उपयोग करना सीखें, उपयोग करें, और जो भगवान ने आपके पास जो पदार्थ दिया है वो पूरे देश और समाज के कार्यों के लिए हम लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर नाश, उसका फिर समापन तो निश्चित रूप से होना है। नहीं तो ऐसा ही होएगा जैसे किसी दुनिया की पदार्थ को हमने उठा करके अपने पास रख लिया, आज वो कल किसी के पास था, आज हमारे पास होगा, कल फिर और किसी के पास चला जाएगा, पर वह काम आपके नहीं आ पाएगा। या तो स्वयं उपभोग करें या राष्ट्र देश की, समाज की सेवा में लगा दें, नहीं तो नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से रोग के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, तो हम निश्चित रूप से जागरूक हो जाएं और हम ये सोचें कि हमें बीमार ही नहीं होना है, बीमार ही नहीं पड़ना है, उसके लिए हमें समय निकालना है। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पहला सुख जो है वह है निरोगी काया, तो निरोगी काया हमारा ऐसा हो कि यह शरीर इतना सुंदर हो, इतना निरोग हो कि हमें निश्चित रूप से दूसरे जो हम कार्य की योजना बना रहे हैं उन कार्यों को कर सकें। इस काया को हम कैसे निरोग रखें, इसके लिए आयुर्वेद से बढ़िया हमें कोई नहीं बता सकता। योग भी एक जीवन जीने की कला है। निश्चित रूप से यदि हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आधा घंटा भी हम दे देते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारे पास 24 घंटे का समय है, हम उस समय को लगाते हैं जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। वास्तव में शरीर को निरोग रखने से ज़्यादा कोई दुनिया के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है, इसीलिए जरूर इसके लिए कुछ थोड़ा समय आप निकालें। तो ये वनस्पतियाँ, ये औषधियाँ भी हम अपने दिनचर्या का, अपने रूटीन में, अपने भोजन का एक अंग बना लें, इनको अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गमलों में इनको शोभा बढ़ने दें, इनको लगाएं और रोग मुक्त होकर के हम निश्चित रूप से देश की समृद्धि बढ़ाने में, देश के वैभव को और गौरव को बढ़ाने में हम कारण बन सकते हैं। तो आज हम कारण बने इसके लिए, तो हम बात कर रहे थे ये जो सदाबहार की जो पत्तियां हैं वो मधुमेह के लिए बहुत ही अमृत है, बहुत रामबाण औषधि है। तो एक करेला लें, एक मीडियम साइज का टमाटर लें और एक छोटा खीरा ले लें। खीरा, करेला और टमाटर, इसको आप गर्म पानी से धोएं अच्छी तरह से, और धोने के बाद में उसको मिक्सी में अच्छी तरह से उसका जूस निकालें, और उसी में ही आप इस सदाबहार के पौधों के, यदि ये फूल मिल जाएं बहुत अच्छा है, लगभग 5-7 फूल डाल सकते हैं, उसमें 4-5 पत्ती नीम और डाल दें
और भी उत्तम रहेगा। इससे आप देखेंगे, इससे पेशाब भी खुल करके होगा, जो यदि किडनी के अंदर भी कोई विकृति आनी शुरू हो चुकी होगी तो किडनी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। इसके अंदर आपके शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हुए हैं, वो सब भी इससे निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी औषधि है आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, विजातीय तत्व को बाहर करने के लिए, और ये डायबिटीज के लिए बहुत रामबाण औषधि है। ये सदाबहार, यदि आपको फूल न प्राप्त हो, हालांकि ये 12 महीना सुंदर सा ये फूल खिलता है, 12 महीना चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, यह आपकी घर की सुंदरता को और शोभायमान करता हुआ ये पौधा घर की शोभा को बढ़ाता है। तो आप यदि फूल ना भी मिले तो 3-4 पत्तियां आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, और यदि ये ताजे ना भी मिले घर पे तो आप इसको कूट करके, इसका पाउडर करके रख सकते हैं, तो 1-1 चम्मच सुबह शाम वो जूस में भी मिला सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़वा होता है, तो कड़वे से आप थोड़ा घबराएं नहीं, आप इसका सेवन करें, यह बहुत ही गुणकारी है। इसका एक और प्रयोग हमने देखा है, हमने स्वयं किया है, और भारत देश में भी उड़ीसा प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि किसी को कोई ततैया भीरड़, जो पीले पीले होते हैं, जिसको कोई काट जाए, उसके लिए इसका रस निकाल करके उस जगह पर यदि आप लगा लें, तुरंत इससे फर्क पड़ता है। जब हमने सुना इस प्रयोग को, तो हमने जाना कि निश्चित रूप से ये जहर को दूर करता है, रक्त के अंदर जो विकार आते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो रक्त दोष के लिए भी, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह से फोड़ा फुंसी गुमड़ी होते हैं, उन सब में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 पत्ते भी यदि आप डेली उसको, यदि आपको चबा करके खाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप यूं मसल करके और इसको गोली टाइप बना करके या सुखा करके इसको पीस करके भी आप इसको सटक जाए, क्योंकि ये बकबका होता है, इससे थोड़ी सी उल्टी सी होने की संभावना सी लगती है, परंतु ये धीरे से आप निगल जाए तो इससे आपकी रक्त की शुद्धि होगी, जितने भी रक्तगत जो विकार हैं, जो इस तरह की व्याधियां हैं, उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके अतिरिक्त इसकी जो जड़ें हैं, आप देख रहे हो इसके जो ये मुलायम मुलायम जो जड़ें होती हैं इस पौधे की, ये बहुत ही गुणकारी है, और ये नेटाल, क्वींसलैंड और दक्षिण अफ्रीका, नेटाल आदि देशों में इस जड़ का प्रयोग पौष्टिक औषधि के रूप में भी किया जाता है, पौष्टिकता के लिए। हालांकि यह भी थोड़ा सा वही बकबका स्वाद लिया हुआ होता है, परंतु यह अत्यंत रक्त शोधक है, अत्यंत पौष्टिक है। 100 ग्राम इसकी जड़ है, तो आप 400 ग्राम मिश्री ले लें, 400 ग्राम मिश्री लेकर के आप इसका पाउडर करें, फिर आप लगभग 1 चम्मच प्रातः और सायं सेवन करें, या सुबह एक समय खाली पेट ले लें। इससे निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक क्षीणता है, कमजोरी है, इसके लिए अत्यंत लाभकारी है। या थोड़ी सी जड़ को आप तोड़ करके यदि आप इसको पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं, तो इससे भी जो रक्तजन्य जो विकार हैं, उसमें भी यह लाभकारी है। सिर्फ जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 3-4 पत्ती लेकर के थोड़ा जड़ लेकर के आप पानी में उबालें, काढ़ा बना करके आप पिए, तो इससे निश्चित रूप से एक और प्रयोग है। अश्वगंधा के पत्तों का तो आपने प्रयोग सुना ही सुना है, परंतु इसके पत्तियां और इसकी जड़ को मोटापे वालों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। 2-3 पत्तियां और इसकी थोड़ी सी जड़ को पानी में यदि आप उबालते हैं, उबाल करके उसको पी लेते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे निश्चित रूप से आपका जो मोटापा है वो कम होगा, डायबिटीज में इससे अत्यंत लाभ होगा। इससे भी बढ़ करके इसका जो एक प्रयोग है, हमने बहुत सारे रोगियों में किया है, कैंसर के रोगियों के लिए, कैंसर में भी यह एक सहयोगी पौधा है। हालांकि डायबिटीज के लिए हम औषधि बनाते हैं मधुनाशिनी, मधुनाशिनी अपने आप में उसके अंदर इस सदाबहार की पत्तियां वगैरह भी डली हुई हैं, बहुत ही कारगर औषधि है। और मधुनाशिनी डायबिटीज को ही नहीं, जो डायबिटीज की वजह से जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें भी वह काम करती है। तो सदाबहार की जो पत्तियां हैं या सदाबहार के जो फूल हैं, वह भी डायबिटीज के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए और शरीर की पौष्टिकता के लिए, इसके अतिरिक्त जिनका घाव है, यदि पस निकल रहा है, भर नहीं रहा है, तो इसकी जड़ को घिस करके यदि उस जगह पर लगाते हैं तो घाव भर जाएगा, घाव सूख जाएगा, इन्फेक्शन होने से आप बच जाएंगे, उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। तो मधुमेह के लिए, प्रमेह के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए इसका जरूर आप प्रयोग करें, अपने घरों में, अपने गमलों में इसको जरूर लगाएं, और इसके औषधीय गुणों से आप स्वयं लाभान्वित हों, औरों को भी आप लाभान्वित करिए, और डायबिटीज के लिए आप इसका प्रयोग निश्चित रूप से करिए, आपको लाभ मिलेगा और इससे निश्चित रूप से इस देश का हित हो